हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम ये पॉलीकार्बोनेट बैग और ये जो फैब्रिक वाला बैग आता है, इनमें छोटे छोटे क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और आपके लिए कौन सा बैग बेस्ट है आपको पता चल जाएगा। वैसे तो सब लोगों को पता ही है, बट फिर भी मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता है। चलो फिर वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा और सिंपल वीडियो रखा है दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। वीडियो से ज़रा सी भी मदद मिले तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड का बैग बेस्ट है, बस फैब्रिक वाला बैग और ये जो पॉलीकार्बोनेट वाला बैग होता है इनमें डिफरेंस बताऊंगा। ये जो ब्लू वाला बैग है वो पॉलीकार्बोनेट का बैग है जो प्लास्टिक टाइप होता है, और ये जो लेफ्ट वाला बैग है ब्लैक वाला, वो फैब्रिक का होता है, मोस्टली पॉलिएस्टर का होता है। तो मैं थोड़े से आप लोगों को डिफरेंसेस बता दूंगा, फिर आप खुद जज कर लेना आपके लिए कौन सा बैग बेस्ट है। ये देखो, ये जो फैब्रिक वाला बैग होता है इसके अंदर धूल बहुत ज़्यादा चिपकती है और बहुत ज़्यादा जल्दी चिपक जाती है। प्लास्टिक वाले बैग में भी जल्दी चिपकती है, बट आप इसको आराम से गीले कपड़े से पोंछ के साफ कर सकते हो। फैब्रिक वाला भी साफ होता है, बट वो उतना अच्छे से साफ नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकली खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। फैब्रिक वाला जो बैग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी धूल को अट्रैक्ट कर लेता है। ब्रांड डस्ट प्रूफ भी बनाता होगा, बट मैंने आज तक देखा नहीं है, मैंने यूज नहीं किया, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा अपने को हाईलाइट मिल जाता है ये जो पीसी वाला बैग है, पॉलीकार्बोनेट वाला, इसे मैं पीसी कहूंगा। ओके, सो ये जो बैग है इसके अंदर आपको कोई चेन नहीं मिल जाती, आपको छोटी मोटी चीजों के लिए पूरा बैग खोलना पड़ता है। और वहीं फैब्रिक वाला जो ये बैग होता है, आपको इसमें ऊपर ही काफी ज्यादा चेन मिल जाती है, छोटे छोटे पॉकेट्स मिल जाते हैं, तो आप इसके छोटा मोटा सामान आराम से निकाल सकते हो, रख सकते हो, पूरा बैग खोलने की जरूरत नहीं है। ये है इसका एडवांटेज। मैं कोई भी बैग की क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये फैब्रिक वाले बैग को और ये जो पॉलीकार्बोनेट वाला बैग है उनको कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए आपके लिए बैग कौन सा रहेगा। एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं। ये जो पॉलीकार्बोनेट वाला बैग होता है ना, इसके ऊपर मैं वाटर डालूंगा तो ये सीधा नीचे आ जाता है, बहुत हद तक ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट है। हालांकि चेन से थोड़ा पानी जाएगा, बट वो मैनेजेबल है मुझे लगता है। और फैब्रिक वाले में डालूँ तो वहीं का वहीं पानी रह जाता है, धीरे धीरे पानी अंदर जाना चालू करता है बैग के, अगर आप तुरंत पहुंच लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको गीले कपड़े से ही इसकी सफाई करनी पड़ती है, तो जाके थोड़ा सा साफ होता है फैब्रिक वाला बैग। और गीले कपड़े से आप इसको पोंछोगे पॉलीकार्बोनेट वाले बैग को, तो फटाफट क्लीन हो जाता है दोस्तों। और दोनों में ही आराम से व्हील्स मिल जाते हैं, हैंडल्स मिल जाते हैं, सब कुछ सिमिलर सा ही है। सिर्फ ये जो थोड़े से डिफरेंस थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था दोस्तों। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दे दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी होगी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये जो बैग मैंने आपको बताया सबका आपको अनबॉक्सिंग मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जिनके ये काम आ सकता है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दे दीजिए दोस्तों। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी चेकआउट कर लो, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।